विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक की राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान मेड इन इंडिया ट्रेन में सफ़र किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने मोजाम्बिक के परिवहन मंत्री के साथ ट्रेन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और जलमार्ग कनेक्टिविटी का विस्तार करने में भारत की साझेदारी के बारे में चर्चा की। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर बृहस्पतिवार को मोजाम्बिक की राजधानी पहुँचे हैं। इस दौरान वो अफ्रीकी देश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। यह भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा मोजाम्बिक की पहली यात्रा है। जयशंकर युगांडा से मापुतो पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी सहित देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की थी और व्यापार, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा की थी। उन्होंने ट्वीट किया, मोजाम्बिक पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए विदेश मामलों के उपमंत्री मैनुअल जोस गोंकालवेस का धन्यवाद। सार्थक चर्चा करने के लिए तत्पर हूँ। इससे पहले जयशंकर ने अदीस अबाबा में संक्षिप्त ठहराव के दौरान इथियोपिया के अपने समकक्ष डेमेके मेकोनेन हसन से भी मुलाकात की। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।